मैं बनाने जा रहा हूँ बर्गर्स। यस, आपने सही सुना, मैं बनाने जा रहा हूँ बर्गर्स। और मैं छील रही हूँ आलू। है स्टार्ट हो गया। पॉज जब हम आलू बनाते हैं, मतलब बर्गर बनाते हैं, तो पॉज। इसी तरीके से डांस करने से हमारा जो बर्गर है ना वो अच्छा बन जाता है। यस, तो बर्गर सबसे पहले बनाने के लिए हमें चाहिए नींबू। जी हाँ, आपने सही सुना, पहले चाहिए हमें नींबू, क्योंकि वी हैव टू डू सम लाइक लिटिल बिट ऑफ सॉर। सारे कहते हैं ना, बर्गर दिखाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्लीन किचन। तो सबसे पहले हमें क्लीन करनी पड़ेगी। ये भाई साहब तो करेंगे नहीं, मुझे ही करनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसी दिखाऊंगी तो आप 70 बात बताएंगे, कमेंट करेंगे कि ऐसी किचन है वैसी किचन है। बट हम डरते नहीं है, किचन हमारी गंदी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, साफ हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जय श्री राम। इतने स्टाइल मारने की जरूरत ही नहीं है। लव दे दो दूसरे भी। अब इसमें से देखिए, मैंने ये जो मिर्च है ना, मोटी अचार वाली मिर्च है, ये मैंने बचा कर रखी थी। अब इसको हम खट्टी करने के लिए, इसमें जो लेमन जूस हमने निकाला ना, पता नहीं ये कांच निकाल रहा है, इसकी लेमन जूस कहाँ निकाल रहा है। अब हमने जो लेमन जूस निकाला ना, इसको हम इसमें डाल देते हैं, देखिए, ताकि इसमें जो है ना खट्टा फ्लेवर आए। देखिए ये देखिए आप, बस जो भी हमें चाहिए सब हमने कलेक्ट कर लिया फॉर द बर्गर्स। एंड हियर आर द मटेरियल्स। ये जो आप देख रहे हैं ये है फाइनली चॉप्ड गार्लिक। एंड दिस इज मैश्ड पोटैटोस। ओके। एंड दीज आर सम वेजीज, लाइक इसमें है पत्ता गोभी, इसमें है कैरेट्स, इसमें है सैम, एंड देर आर सम पिकल्स। सो हमने क्या किया है, जो पिकल नहीं है मोटी ये। मोटी वाली मिर्च होती है उसको हमने क्या, कौन सा जूस है, लेमन जूस। हाँ लेमन जूस, लेमन जूस इसमें रख दिया है मैरिनेट करने के लिए। ये जो मिर्च है अचार वाली मिर्च है, और इनको मैरिनेट करने के लिए लेमन जूस जूस के अंदर इसको हमने डिप कर दिया, ताकि ये थोड़ा खट्टा फ्लेवर दे इन सब के बीच में। तो ये जितना भी मटेरियल है इससे हमारे यहाँ सिर्फ पैटी बनेगी। तो अब हम काटेंगे ब्रेड फॉर ब्रेड क्रम्स। आराम से बेटा, अभी आप शेफ नहीं हो, सैफ हो। मारूंगी मैं ढंग से। गुड। और आप इन्हें ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे ही करने थे वैसे ही। तो ये मैंने या मम्मी ने बना दी है, कोई नहीं, आर्चिक नहीं बनाया। ये हमने बना दिए हैं, देखिए वेजीज मिक्स करके ना आलू की, और इसको हमने बॉल बना दिए ताकि हम इसकी पैटी बना सकें। और अब हम इसमें डालेंगे अमूल चीज। अरे सारा निकाल दिया, ऐसे तो काम करेगा। तो ये देखिए ये अमूल चीज है, खिंचने वाला जो था खिंचने वाला है। और क्या, कट करेंगे एंड इसके बीच में डालेंगे ये चीज बॉल्स। ओके, स्टफिंग करेंगे आप? यस, चीज स्टफ। सो लाइक दिस। इतने गंदे तरीके से काटी है भाई साहब। आता भी तो है, नहीं करना तो गई नहीं, सही तो है। सो रोल गोल का थोड़ा, हाँ प्रॉपर तरीके से बंद, बस गुड। इसी तरीके से ये सारे हम पांचों के पांचों टिक्कियां जो है हम स्टफ कर लेते हैं।
मुश्किल होता आर्चिक से काम करवाना, पता आपको। बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलते हैं, इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर करता रहता है। अब इसे कर तो अब हम लेंगे एक और अभी देखिए हम क्या करेंगे। दूर रखेंगे इसको छोटी। अब एक जगह भी तो चाहिए फैलाने के लिए, तो देखिए हमने इस तरीके से इसको बिठा दिया। आप पहले हल्के हाथ से ऐसे प्रेस कीजिए, ऐसे हल्के हाथ, आप लोहे वाले हाथ नहीं, बहुत हल्के हाथ। गुड। अब इसको रुको, तो थोड़ा यहाँ पे देखो स्पेस कम है ना, ये चॉक बोर्ड से नीचे उतर जाएगा तो आप इसको नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा, उतरेगा। चलो दूसरा चॉक बोर्ड लेके हल्के से हाथ से प्रेस कीजिए ताकि एक जैसी टिक्की आ जाए हमारी। ये देखिए थोड़ा सा और प्रेस करना है, बहुत मोटी हो गई, मोटी है थोड़ी सी, यहाँ पे हल्का सा ज़्यादा प्रेस करें। ये देखिए हमारी टिक्की का जो आकार है बहुत ही अच्छा है, पैटी भी बोल सकते हैं इसको, तो आकार जो है बहुत अच्छा है। अब इसको हम यहाँ पे ये देखिए, गुड, बहुत ही ब्यूटीफुल। ऐसे नहीं, मैदे में कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। यहाँ से हाथ लगाते हैं और दूसरे हाथ से ऐसे। That's like a good chef, Saif Ali Khan. What are you doing? अब हम बनाने जा रहे हैं मेडिकल ओवल। इससे मशीन कहाँ है इसकी? मशीन की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो ये लिया है हमने मैदा। बता देना। और डालो और डालो, बस अब इसको मिक्स कीजिए अच्छे से, बहुत धीरे धीरे। इसका थोड़ा सा हमने पानी और मिक्स करना पड़ा क्योंकि हमें देखिए इस तरीके का स्मूथ पेस्ट हमें बनाना है, लाइक दिस। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ऐसा पेस्ट। हमने इसमें मैदे में कुछ भी नहीं मिक्स किया है, जी सर। अब इसको प्यार से प्यार से इसको बंद कर देंगे। इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए हाथ से। नहीं 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 नहीं, इसकी शेप खराब कर दी आपने। नहीं नहीं, अरे यार इसकी शेप ना यहाँ से ऐसे चकोर ऐसी आती है थोड़ी सी, बस हाँ ऐसे करेंगे इसको डिप। इसके छोड़ दे, इसके अंदर छोड़ दे, ये ऐसे पलट दे फटाफट, आराम से आराम से आराम से फटाफट आराम से उठा ले आराम से। यस, अब हम इसको डाल देंगे बस। ठीक 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 ठीक, इसके ऊपर ये देखिए यहाँ पर ये ब्रेड क्रम्स हैं और इसको इस पर अच्छे से हम लगा देंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और टूटे ना, बहुत ही अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाएगी। बस ये देखिए ये बन गई है हमारी बढ़िया सी एक टिक्की। ये देखिए इससे करारी हो जाएगी बहुत अच्छे से। बस तवा छोटा है ना, बस आगे तक आ जाएगा ये तेल बाहर। बहुत आराम से बेटा, कितने गलत तरीके से छोड़ा है ना, ये ही गलत चीज होती है बिल्कुल। अपनी तरफ कभी भी मैं बोलने लग रही हूँ आराम से फिसला के, नहीं अब तो करनी नहीं दूंगी। हो गया बस, अब नहीं करूंगा ना। हो गया। बस इतना ही चांस होता है यहाँ पे, अब नहीं करूंगा। दिस इज मॉम्स किचन और यहाँ पे कोई चांस नहीं। तो रुक जा, आप सिकने दे, से सिकने दे, से सिकने दे, यहीं सिकने दे, चिपक जाएगी नहीं तो। बस देखा ना आपने अभी, इसने यहाँ पर किया ऐसे और फिर इसको मिल गई रिस्ट्रिक्शन, क्लेम आ चुका है इसके।
नीचे से वो टपकने लग रहा, देख नीचे से क्या, इसको पकड़ ढंग से, देख क्या हो रहा है इसमें, लटकने लग रहा है, बहुत ही करारी बन गई है, देखो आराम से पलटी हो। हाँ रख दे रख दे, नहीं रख दे ये। तो ये है सजवान सॉस, शेजवान सॉस, और इसमें क्या मिक्स करेगा, मेयोनीज, बर्गर सॉस बनाएंगे। ओके और ले और ले और ले भाई, थोड़ा और जाएगा, वैसे नहीं जाएगा, तूने रेड वाली चटनी बहुत ज्यादा ले ली है, देख ले। मस्त, बढ़िया, स्पाइसी बर्गर्स, स्पाइसी बनाइए। यस, तो स्टार्ट करो भाई प्रिपरेशन बर्गर्स का। ये कटे हुए हैं? यस। हैं? वाओ, ये तो कटे काटने की जरूरत नहीं पड़ी। सबसे पहले हम लेंगे सॉस एंड मेयोनीज़ और डाल दे थोड़ी सी, नहीं डाल दो, सही है। अब लेंगे अनियंस, अनियन लिटिल बिट ऑफ सॉस, खब कैसे गई यहां से। ब्लैक पेपर, ओके। टमाटर आप नहीं डालना, ओके। वाव वाव, ब्यूटीफुल, सच में बहुत सुंदर लग रहा है। फिर से मेयोनीज, spread that, अब इसमें डालेंगे लेट्यूस, मुंह में पानी आ रहा है मिर्ची के। थोड़ा सा अगर हम इसको ऐसे जगह जगह लगा दें तो नहीं ज्यादा, थोड़ा सा नमक भी डाल दे, डाल दे। ये तो रह गया अभी। थोड़ा थोड़ा बेटा, ये थोड़ा बहुत तेज हो रहा हो, थोड़ा ज्यादा नहीं है ना। अब रुक रुक, तो
भाई साहब ये ढक चुका है अच्छे से और हमारा बर्गर शेप तो है, बहुत अच्छा बर्गर बन रहा है भाई साहब। अब इसको जरा सर्विंग करते हैं। चलिए भाई करिए प्लेटिंग। भाई बर्गर तो अर्ची बहुत ही ज्यादा यम्मी लग रहा है ना, बहुत ज्यादा मस्त वाला। ये देखिए क्लोज अप दिखा देती हूँ आपको, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। वाह कौन सी शेप दी आपने। अरे वाह डेकोरेट भी कर दिया। अरे यार ऐसे कर देना फिट्टा। बस रुक रुक रुक, तब तक नहीं खाने दूंगी जब तक ये थंबनेल नहीं लगा देगा। हाँ भाई इसमें सैम पड़ी हुई है, मिस्टर सैम। इसमें पता लग रहे हैं क्या? गाजर पता लग रही है, हैं? गोभी पता लग रही है। हमने जो आलू की टिक्की है ना उसमें बहुत सारी वेजीज डाली है और जो मतलब सीजनल वेजिटेबल्स है ना, और ये मिर्च खट्टी मिर्च वो एकदम अलग टेस्ट दे रही है ना। बिल्कुल मतलब हमारा जो एक्स्ट्रा स्पेशल फ्लेवर है ना वो है ये, और वो स्पेशल फ्लेवर ना स्पेशलिटी दे रहा है अपनी, बोल रहा है कि मैं हूँ स्पेशल। तो नहीं ऐसे बनाते हैं, बनाते हैं ये फॉरेन में तो बनाते हैं, इंडिया में तो नहीं बनाते, हम तो इंडिया में रहते हैं। तो ये इतना यमी लग रहा है, इतना यमी लग रहा है। इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हमने डाली है आलू के अंदर, आपको दिखाई थी ना, तो आप भी बना सकते हैं प्रॉपर आलू ना लेके ना और भी ज्यादा डाल सकते हैं आप। ये मना करे जा रहा था नहीं बीन्स मत डालो, बीन्स मत डालो, लेकिन आया ना यमी टेस्ट। वाह आर्चिक के मुंह से ही पता लग रहा है कितना यमी लग रहा है। Mm-hmm.